हेलो दोस्तों, स्वागत है श्वेता किचन रेसिपी में। आज मैं आप सबके लिए एक स्वीट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम मिलाई रोल बना रहे हैं। यहाँ मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, 1/2 बाउल मिल्क लिया है एंड 1/4 शुगर पाउडर एंड 1/2 बाउल मिल्क पाउडर, सम सैफ्रॉन एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बना। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन में 1/2 स्पून के अकॉर्डिंग बटर ऐड करूंगी। बटर के साथ में ही मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी। मिल्क में बॉयल आने के बाद मैं इसमें साथ में मिल्क पाउडर ऐड करूंगी एंड इसे हम मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनने चाहिए, चलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा रेडी। थोड़ा सा इसे 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे जिससे कि थोड़ा सा मावा पेस्ट में रेडी हो जाए। देखिए ये रेडी हो गया है, कितना थिक हो गया है। इसको हम एक साइड कर लेते हैं एंड इसको हम ठंडा होने देंगे। देखिए जो मावा रेडी किया है मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इसमें मैं अब सम मिल्क ऐड करूंगी 2 बाउल के अकॉर्डिंग एंड इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है। अगर आप मिलाई ऐड करना चाहें तो मिलाई ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है मिलाई। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जैसे दूध को बॉईल करते हैं ना उसी पर। देखिए इसमें बॉईल आने लगा है। मैं 2-3 स्पून के अकॉर्डिंग मिल्क निकाल लूंगी। इसमें से ले लेंगे हम इसमें गर्म मिल्क को, इतना मिल्क ले लेंगे एंड इसमें मैं ये सैफ्रॉन ऐड करूंगी। 4-5 ही ऐड करना है, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। देखिए बॉईल आने के बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। मीठे के अकॉर्डिंग हम ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ा ठीक होने तक इसे कुक करेंगे। ये कुक हो रहा है जब तक हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। एक ब्रेड लेंगे, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्के हाथों से हम पूरे में बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है हमको, ज्यादा नहीं बेलना है एंड इसकी हम एजेस को कट कर देंगे एंड इसको हम ब्रेड क्रम्स में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं सभी को कट कर लूंगी, सभी ब्रेड को थोड़ा सा बेल कर बेलन से कट कर। देखिए इस तरीके से हमने ब्रेड को कट कर लिया है एंड इस मावा को हम लेंगे और पतला पतला जैसे बटर लगाते हैं ना, इस तरीके से हम लगाएंगे। पूरे में अच्छे से लगाना है इस तरीके से एंड इसको हम इस तरीके से रोल करेंगे। देखिए इस तरीके से एंड इसको हम 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एंड रोल में रखते जाएंगे एंड सेकंड भी हम इसी अकॉर्डिंग रेडी कर लेते हैं एंड इसको भी हम रोल कर लेंगे इसी तरीके से और इसको भी 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये कुक हो गया है। देखिए अच्छे से साइड से इसकी मलाई निकाल लेंगे एंड गैस ऑफ कर देंगे। इसको अब हम जो रोल हमने रेडी किया है ना उस पर डालेंगे चारों साइड। जो हमने ये सैफ्रॉन वाला मिल्क रेडी किया है उस पे हम हल्का हल्का इस तरीके से डाल देंगे एंड सम आलमंड्स डाल देंगे, आलमंड्स एंड कैश्यू इस तरीके से। इसको हम 1 आवर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे एंड सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।